जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड लोटन अंतर्गत भगवा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता सदर विधायक श्याम धनी राही ने की। यात्रा का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय धारा 370-35A के हटाए जाने पर यह भगवा तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह यात्रा ब्लॉक मुख्यालय लोटन से ठुटरी बाजार तक ले जाई गई, पुनः ब्लॉक मुख्यालय पर संपन्न किया गया। विधायक श्याम धनी राही ने बताया कि यह यात्रा इसलिए निकाली गई क्योंकि आज के 73 साल पूर्व हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन अधूरी रही, जिसको भाजपा की केंद्र सरकार ने आज 73वें साल में पूर्ण आज़ादी देने का काम किया है, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर देश को पूर्ण आज़ादी मिली। इस खुशी में यह भगवा तिरंगा यात्रा निकाला गया। भगवा तिरंगा यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका आज ये है, आज पूरी दुनिया में जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 धारा और 35 ये धारा समाप्त है, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में ये समाप्त हुआ है। स्वतंत्रता तो हमें 1947 में मिला था, लेकिन वो स्वतंत्रता देश के समाज के लिए जो है अधूरा था, लेकिन वो स्वतंत्रता हमें माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आज उन क्रांतिकारियों के यादगार में जगह जगह ये जो है भगवा यात्रा तिरंगा यात्रा निकल रहा है, उन्हीं के यादगार में ये सब हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज खुशहाली भरी हुई है। गांव गांव बच्चे बच्चों में आज स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि जो अनुच्छेद 370 था वहाँ कोई अपना मकान नहीं बना सकता था, ना कोई अपनी ज़मीन खरीद सकता था, ना वहाँ शादी कर सकता था, लेकिन जब ये धारा आज समाप्त हो गई है तो आम जनमानस वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, अपना व्यवसाय चला सकता है और शादी कर सकता है, मकान बना सकता है। ये सब आज उसी प्रसन्नता में पूरी दुनिया झूम रही है। आज आपने ये यात्रा कहाँ शुरू की और कहाँ तक ख़त्म किया? ये आज इसी स्थल से ये यात्रा शुरू हुई है और सीमा पर जाकर ये संदेश पूरे जन जन तक ये संदेश गया है कि इंडिया वाहिनी कार्यकर्ता और आम लोग मिल करके इस यात्रा में सम्मिलित हुए। बॉर्डर पे जा करके हम लोग वहाँ से पुनः आज समापन इसी स्थल पे हम लोग कर रहे हैं। तो क्या इससे आगे भी आप ये भगवा यात्रा कहाँ और भी करने वाले? पुनः बैठक होगा और फिर वो सुनिश्चित तिथि होगी, पुनः यात्रा निकलेगा।